नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे आधार कार्ड को लेकर। आज हर भारतीय के लिए आधार कार्ड जरूरी हो गया है। कई सरकारी और गैर सरकारी सुविधाओं और सेवाओं का लाभ उठाने के लिए आधार कार्ड मांगा जाता है। ऐसे में अब आधार कार्ड को लेकर UIDAI ने आज बड़ी जानकारी साझा की है। UIDAI ने कहा है कि सभी 12 डिजिट नंबर को आधार न माना जाए। आपको बता दें कि UIDAI ने ये अलर्ट आधार को लेकर मिल रही फ्रॉड की शिकायतों के बाद जारी किया है। आधार कार्ड को लेकर जो जानकारी हम आपको बताने जा रहे हैं यह काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे आप ध्यान से सुने। आपको बता दें कि UIDAI ने इस चेतावनी को ट्विटर के जरिए साझा किया है, जिसमें उसने लिखा है कि सभी 12 डिजिट आधार नंबर नहीं होते हैं। ये सुझाव दिया जाता है कि आधार को पहचान पत्र के रूप में स्वीकार करने से पहले उसे वेरीफाई कर लेना चाहिए। इसलिए अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें आपको किसी के आधार की ज़रूरत पड़ती है, तो ये ज़रूर चेक कर लें कि उसने जो आधार नंबर दिया है वो वाकई में आधार का नंबर है भी या नहीं, और आप ये कन्फर्म हो जाएं कि दिया गया 12 डिजिट का नंबर आधार का है कि नहीं, तभी उसे स्वीकार करें। इसको वेरीफाई करने का तरीका भी खुद UIDAI ने बताया है। आइए अब जान लेते हैं आधार नंबर को कैसे करें वेरीफाई। आधार को रेगुलेट करने वाली संस्था UIDAI ने कहा है कि आधार कार्ड वेरिफिकेशन ऑनलाइन बेहद आसानी से किया जा सकता है। इसके लिए आपको UIDAI की लिंक यानी कि residentuidai.gov.in/verify पर जाना होगा। यहाँ पर अब आपको आधार कार्ड में दर्ज 12 अंकों के बाद आपसे कैप्चा भरवाने के लिए कहा जाएगा। जब आप कैप्चा वेरीफाई बटन पर क्लिक करेंगे, इस स्टेप को पूरा करने के बाद 12 अंकों की संख्या में प्रमाणित दिखाई देने लगेगी, जिसके जरिए आसानी से खुद ही आधार कार्ड धारक को आइडेंटिटी प्रूफ की जांच कर सकते हैं। इससे फ्रॉड से बचने में आपको मदद मिलेगी। आपको बता दें कि आधार कार्ड आजकल सबसे ज़्यादा जरूरी डॉक्यूमेंट में से एक हो चुका है, जिसकी ज़रूरत हर कदम पर पड़ती है। लेकिन अब आपको आधार को लेकर सचेत रहने की ज़रूरत है, नहीं तो आप किसी फ्रॉड का शिकार हो सकते हैं। आपको बता दें कि आधार से आपके ज़्यादातर डॉक्यूमेंट जुड़े होते हैं, इसलिए आधार कार्ड बनवाने वाली संस्था लोगों को आधार से जुड़े अपडेट के बारे में सचेत करती रही है। आपको ये भी बता दें कि UIDAI ने ऑफिशियल मेमोरेंडम के अनुसार आधार कार्ड होल्डर सिर्फ 2 बार आधार कार्ड में अपने नाम को अपडेट करवा सकते हैं। आधार कार्ड धारक अपने पूरे जीवन काल में जन्म तिथि और लिंग को सिर्फ 1 बार अपडेट करा सकते हैं। तो ये थी आधार कार्ड को लेकर जानकारी। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे ही खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।